बीजेपी लगातार स्वच्छता को लेकर संदेश दे रही है, अवेयर करिए जनता को, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं लगातार बीजेपी शासित राज्यों में और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें सभी में लगातार मांग कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि स्वच्छता को अपनाया जाए, स्वच्छ भारत अभियान में उनका साथ दिया जाए। ऐसे में बात करें जयपुर की, जयपुर के नगर निगम भी लगातार इन पर दावों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। हाल फिलहाल हमारे साथ पुनीत कर्नावट जो हैं डिप्टी मेयर नगर निगम ग्रेटर के, वो मौजूद हैं, हम उनसे कुछ बात कर लेते हैं। सर, सफाई को लेकर लगातार प्रधानमंत्री मोदी स्वच्छ अभियान चला रहे हैं, नगर निगम की क्या भूमिका रहे? नगर निगम के प्राथमिक कार्यों में से एक है कि साफ सफाई हो, स्वच्छता हो, और उसके लिए नगर निगम लगातार प्रयासरत है। हमने डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था को काफ़ी सुधारा है, पर अभी हमारा जो सेकेंडरी ट्रांसपोर्टेशन है उसमें और सुधार की आवश्यकता है, जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। विशेष रूप से जो ओपन कचरा डिपो जयपुर की बड़ी समस्याएं हैं उसको लेकर एक व्यापक योजना बनी है, उस योजना को मूर्त रूप देने में संसाधनों की भी आवश्यकता होगी, उसके लिए राज्य सरकार से भी विशेष रूप से सहयोग मांगेंगे। और मेरा विश्वास है कि अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जो समाज के प्रत्येक तबके की समस्या को का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। हम माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जयपुर की समस्याओं को एक विस्तृत रूप से देखेंगे और उसके समाधान की दिशा में आगे भी बढ़ेंगे। ओपन कचरा डिपो नियमों साहब नहीं रखने चाहिए, लेकिन फिर भी कई जगह नगर निगम द्वारा रखे गए हैं, जबकि एक बार कचरा उठेगा जैसा कि नगर निगम नियमों में है, क्या कहेंगे इस पर? स्वच्छ भारत मिशन की ये बेसलाइन है, वेस्ट शुड बी हैंडल्ड वंस, और इसके लिए आवश्यक है कि मशीन टू मशीन ट्रांसफ़र हो। इसके लिए मैंने आपको कहा कि संसाधनों की कमी है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उसकी कोई प्रतिबद्धता अर्बन एरिया में स्वच्छता को लेकर नहीं रही, जिसका दुष्परिणाम हमने देखा है। पर अब चूंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो स्वच्छता के प्रति एक बड़ा आग्रह उनका रहता है, उस दृष्टि से हम काम करेंगे। और आप निश्चित रूप से देखिएगा कि आने वाले समय में आपको ओपन कचरा डिपो नज़र आने बंद होंगे। इसके लिए हमको विशेष प्रयास करना होगा, विशेष संसाधनों की आवश्यक का उपयोग करना होगा, तो उसको भी करेंगे। सर, विशेष संसाधनों की आपने बात कही है, तो विशेष संसाधन कैसे, कौन से विशेष संसाधन जिनकी अभी नगर निगम में कमी है या नहीं है, जिनके लिए आगे आप सिफारिश करेंगे? देखिए, रिफ्यूज कॉम्पैक्टर्स इसके लिए सबसे बेहतर तरीका है, और उस रिफ्यूज कॉम्पैक्टर्स को लेना और उनको ठीक ढंग से डिप्लॉय करना। रिफ्यूज कॉम्पैक्टर एक व्हीकल ही है जिसके अंदर आप व्हील के ऊपर ही सारी चीज़ें रखते हैं, और वो एक सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ भी और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज में भी, सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, नवी मुंबई, सब जगह इसका बेहतर उपयोग हुआ है। हमारे यहाँ पर भी वो उपलब्ध है, लेकिन कम मात्रा में, उसको और बेहतर करेंगे। बिल्कुल साफ, डिप्टी जो मेयर हैं ग्रेटर नगर निगम जयपुर के, उन्होंने साफ कर दिया है कि ओपन कचरा डिपो है वो नियमानुसार गलत हैं, और जो रखे हुए हैं ओपन कचरा डिपो वो उनको दुरुस्त करवाया जाएगा, जो रिफ्लेक्टर हैं उनको वापस मंगाया जाएगा। बड़ी बड़ी संसाधनों की कमी है यहाँ पे, जो संसाधन कमी है उनके लिए बजट बनाकर आगे पेश किया जाएगा। कैमरा पर्सन रमाकांत व्यास के साथ संदीप अग्रवाल, द नगरी मीडिया, जयपुर।